हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं सर अपने होमवर्क का डिस्कशन जो मैंने आपको दिया था, इंपोर्ट ऑफ सर्विस के ऊपर कमेंट लिखना था। तो सर यहाँ पे फर्स्ट स्टूडेंट, हमने पांच स्टूडेंट्स की कॉपीज को उठाया है। पहले स्टूडेंट की कॉपी में लिखा है इंपोर्ट ऑफ सर्विस, एज पर सेक्शन 7(1)(b) इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस फॉर अ कंसिडरेशन वेदर आर नॉट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस गुड्स और सर्विस की एक्टिविटी हुई है फॉर द कंसिडरेशन इन द कोर्स ऑफ बिजनेस है या नहीं है। तो सर इसके आगे आंसर में क्या लिखा है इसने, सेम यहाँ पे लिखा और इस तरीके से इसको एक डायग्राम के थ्रू दिखा दिया। इसका क्या मतलब है सर, आप सोचिए इसका क्या मतलब है। यहाँ पे लिखा होना चाहिए ना, इसको सप्लाई कहते हैं, ये सप्लाई में इंक्लूडेड है। यहाँ पे ये तो लिखा ही नहीं कि ये सप्लाई में इंक्लूडेड है इंपोर्ट ऑफ सर्विस में। यहाँ पे आपने कहाँ लिखा कि इस एक्टिविटी को सप्लाई कहते हैं, कहीं पे भी नहीं लिखा। और ये क्या एक्टिविटी, सही सही ये गलत, ये तो मैंने आपको बस याद रखने की चीजें दी थी, आप इस तरीके से थोड़ी प्रेजेंट कर सकते हो। This is exception of the condition of supply being made in the course of furtherance of business. चलो ये exception तो है, लेकिन इसको लिखने की नीड क्या है? आप सबसे ऊपर ही लिखते ना कि import of service for अगर consideration हुई है, चाहे वो business के लिए हो या business के लिए ना हो, personally क्यों ना हो, वो always supply के meaning में आती है। यहाँ वहाँ पे ही आप लिख सकते थे इसको। चलिए आगे देखते हैं। Importation of service, एक दूसरे student ने कुछ लिखा है। इंपोर्ट ऑफ सर्विस, एक दूसरे स्टूडेंट ने क्या लिखा है, एज पर सेक्शन 7(1)(b) ऑफ द सीजीएसटी एक्ट द इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस फॉर अ कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई। चलो ये बात तो सही है, ये चीज यहाँ पे इन्होंने सही लिखी। आप पिछले वाले स्टूडेंट को देखो, यहाँ पे कहीं पे भी सप्लाई इसको कहते हैं ये नहीं लिखा था, इन्होंने लिख दिया, सही बात है। उसके बाद एग्जाम्पल, श्यामा एज अ प्रोपराइटर हैज रिसीव्ड द लीगल कंसल्टेंसी सर्विस फॉर हिज पर्सनल इशू फॉर फ्रॉम इट्स हेड ऑफिस एट न्यूयॉर्क एट अ एग्रीड कंसल्टेशन ऑफ 50,000 द इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर श्यामा इज फॉर द सर्विस। क्योंकि यहाँ पे ना आपने एक बात लिखी कि आप अपने हेड ऑफिस से ले रहे हो सर्विस, हेड ऑफिस से सर्विस ले रहे हो, भले दोस्त आपने यहाँ पे क्या लिखा है कि फॉर द, ये प्रोपराइटर है जो अपने हेड ऑफिस से ले रहा है, ठीक है, प्रोपराइटर है जो अपने हेड ऑफिस से ले रहा है लीगल कंसल्टेंसी सर्विस, ठीक है, फॉर हिज पर्सनल यूज। अगर पर्सनल यूज के लिए ले रहा है तो आपको ये लिखने की जरूरत ही क्या कि अपने हेड ऑफिस से ले रहा है या कहाँ से ले रहे हैं। लग रही थे हमने रिलेटिव से लिया है फॉर द पर्सनल यूज, किसी पर्सन से लिया है। एग्जाम्पल में कोई प्रॉब्लम बहुत ज्यादा नहीं है, बट क्या हेड ऑफिस और ब्रांच ऑफिस के बीच में आप सर्विस को दे रहे हो, क्या ये सेपरेट डील शेड्यूल के अकॉर्डिंग हमने नहीं कर रखे, शेड्यूल वन के अकॉर्डिंग सेपरेट डील हम नहीं करते हैं, जहां पे डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन या ओन एस्टेब्लिशमेंट में आपस में सर्विस का सर्विस आती है, आपस में सर्विस सप्लाई होती है इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो सर कहीं ना कहीं वहां पे क्लैश कर जाएगा, भले ही आपने लिख दिया इन पर्सनल फॉर पर्सनल पर्पस, बट फिर भी थोड़ा सा सही एग्जाम्पल चूज करने की नीड है। आगे आते हैं सर, तो एक न्यू कॉपी आई हमारे पास इंपोर्ट ऑफ सर्विस के ऊपर, इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर अ कंसिडरेशन फ्रॉम अ सप्लायर आउटसाइड इंडिया वेदर और नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस शैल बी डीम्ड टू बी द सप्लाई, ठीक है। मिस्टर राम टुक लीगल एडवाइस फ्रॉम हिज ब्रदर हु क्या लिखा है इन न्यूयॉर्क हिज पर्सनल मैटर वर्थ ₹1,00,000 इंपोर्ट ऑफ सर्विस बाय मिस्टर राम शैल बी कंसिडर्ड एज सप्लाई। ओके, ये बिल्कुल सही बात है, बट एक बात याद रखना, यहाँ पे आपको इंपोर्ट ऑफ सर्विस के ऊपर कमेंट करना था, तो विथ कंसिडरेशन को तो आपने टैकल कर लिया दोस्त, विदाउट कंसिडरेशन को लिखना भूल गए, इंपोर्ट ऑफ सर्विस विदाउट कंसिडरेशन को लिखना भूल गए। आपके लेक्चर नंबर 2 के बिफोर ब्रेक वाले पार्ट में मैंने पूरा डिटेल दिया, आपने ये चीज लिखना मिस कर दिया, आपने आधी बात लिखी है। मेरा क्वेश्चन था इंपोर्ट ऑफ सर्विस के ऊपर कमेंट करना था आपको, तो आपके ऊपर आधा आपने इसको सॉल्यूशन दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं सर, इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर अ कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस इज ट्रीटेड एज सप्लाई, ठीक है, ट्रीटेड एज सप्लाई द पर्सन इन्वॉल्विंग सर्विस फॉर पर्सनल पर्पस शैल ऑल्सो इंक्लूड लाइबल टू जीएसटी। अब जीएसटी की लाइबिलिटी लिखने की यहाँ नीड तो थी नहीं, चलो कोई बात नहीं। राम इज इंपोर्टेड मशीनरी फ्रॉम यूके। अब भाई फिर आप मशीनरी क्यों, आप बिजनेस की चीजें, बिजनेस की टर्मोलॉजी क्यों यूज कर रहे हो, बिजनेस की टर्मिनोलॉजी आप देखो यूज कर रहे हो, एग्जाम्पल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप जब एग्जामिनर चेक करेगा तो आप बिजनेस की टर्मिनोलॉजी क्यों यूज कर रहे हो, मशीनरी देख के उसको लगेगा आपने बिजनेस एसेट के बारे में लिख दिया है।
फ्रॉम यूके फॉर द पर्पज ऑफ इट्स पर्सनल यूज इज लाइबल फॉर जीएसटी। ठीक है, पहली बात इंपोर्ट ऑफ सर्विस था, आपने इंपोर्ट ऑफ गुड्स कहां से लिख दिया इसको? इंपोर्ट ऑफ गुड्स आपने कहां से लिख दिया आप बताओ? एग्जामिनर काट देगा इसको, पूरा आंसर गलत हो गया। जब वहां पे हमने आपको क्वेश्चन में बार बार लिखाया है कि ये इंपोर्ट ऑफ सर्विस के बारे में बात कर रहे हैं, इंपोर्ट ऑफ गुड्स आपका कस्टम लॉ देखता है, आपने मशीनरी कैसे यहां लिख दी? ये आपका पूरा का पूरा आंसर गलत हो चुका है। ठीक है, देखो केवल रट्टाफिकेशन नहीं पढ़ो, हम आपको इन डिटेल पढ़ाते हैं, बिकॉज अब इंस्टीट्यूट भी क्वेश्चन ना कंसेप्ट के ऊपर पूछ रहा है, रट्टाफिकेशन वाली चीज नहीं पूछता है। आगे आइए, ये अभय यादव की कॉपी है, बेचारे इस अकेले बच्चे ने अपना नाम लिखाया और आप लोगों ने ना बस ऐसे उठा के कॉपियां भेज दी। शॉर्ट नोट ऑन इंपोर्ट ऑफ सर्विस, देखो यही मेरा क्वेश्चन था, इन्होंने मेंशन क्या किया, एज पर द प्रोविजन कंटेंड इन सेक्शन 71B ऑफ द सीजीएसटी एक्ट 2017, इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर अ कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस शैल बी कंसिडर्ड एज सप्लाई। एकदम करेक्ट बात, अंडर जीएसटी द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन द कोर्स ऑफ इंपोर्ट इन टू इंडिया इज टू बी अंडर जीएसटी द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस। एक सेकेंड बेटा, ये गुड्स कहां से आ गया? इन द कोर्स ऑफ इंपोर्ट ऑफ इंडिया इज डीम्ड टू बी द सप्लाइड इन द कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स। चलो ये बात तो सही है कि इसको इंटर स्टेट ट्रीट किया जाता है, इस बात में बिल्कुल सही है कि आप इंपोर्ट करते हैं तो उसको इंटर स्टेट ट्रीट किया जाता है, लेकिन हमने आपसे सर्विस के लिए पूछा था, आपने गुड्स मेंशन कर दिया। चलो इट्स ओके, ठीक है, एट्रैक्टिंग द लेवी ऑफ आई जी एस टी दस ऑल इंपोर्ट ऑफ सर्विस इन टू इंडिया शैल बी ट्रीटेड एज डीम्ड इंटर स्टेट सप्लाइड एंड वुड बी सब्जेक्ट टू जीएसटी। चलो ठीक है, इंपोर्ट ऑफ यूज ऑफ फ्री सर्विस फ्रॉम फॉरेन लाइक व्हाट्सएप, अच्छा, इंस्टाग्राम एक्सेट्रा विदाउट कंसिडरेशन एंड नॉट लाइबल टू पे टैक्स अंडर जीएसटी। इस पर अभी हम 2 मिनट बाद आपसे बात करते हैं। However, if the import of service from a related person in the course of furtherance of business is treated as supply even made without consideration, ये कुछ हद तक आंसर ठीक है, बट इंपोर्ट ऑफ सर्विस आप व्हाट्सएप से क्या करते हैं? देखो बेटा, अब है कुछ चीजें ना अभी तक डिलेमा में चल रही है, किसी चीज कुछ चीजों पे क्लैरिटी नहीं है। जैसे देखो तो यूट्यूब है, यूट्यूब पे क्या होता है, जो यूट्यूबर्स होते हैं वो अपनी वीडियोस को अपलोड करते हैं और वहां से पैसे भी आते हैं, तो एक तरीके से वो अपनी सर्विसेज ही तो दे रहे हैं यूट्यूब को, बट ऐसा कहा नहीं जा सकता कि वो सर्विस इन द कोर्स ऑफ फरेंस ऑफ बिजनेस है। भाई कोई किसी का पैशन है गार्डनिंग, वो गार्डनिंग के वीडियोस बना रहा है तो वो क्या अदर इनकम में शो करेगा? तो कुछ चीजों पे भी क्लैरिटी नहीं है। दूसरी बात, जो आपने व्हाट्सएप इंस्टाग्राम लिखा, मान लो अगर हम इंस्टाग्राम या फेसबुक पे, इंस्टाग्राम और फेसबुक, चलो जब फेसबुक पे हम एड चलाएंगे ना, तो एक आप कंसेप्ट पढ़ोगे फाइनल में, इक्वलाइजेशन लेवी 2% और 6% होता है, ये सब चीजें डिडक्ट होती हैं, वो टीडीएस के फॉर्मेट में होता है इक्वलाइजेशन लेवी। बट जब आप खुद जाते हो, आप गए फेसबुक पे अपना अकाउंट बनाया, एफबी पे आपने अपना अकाउंट बनाया, तो सर इसमें सर्विस प्रोवाइडर कौन है और रेसिपिएंट कौन है? आप तो एक तरीके से ना फेसबुक के यूजर हो गए। सही वर्ड क्या होगा? फेसबुक के आप एक यूजर हैं, समझ में आ रहा? फेसबुक के आप यूजर हैं, उसमें आप उसको यूज करते हैं, आप उसमें अपने पिक्स अपलोड करते हैं, लोगों से कम्युनिकेट करते हैं, बाकी सब चीजें करते हैं, बट कहीं ना कहीं आप उसके सिर्फ यूजर रहते हैं उस। तो देखो इस पे बहुत ज्यादा, इस एग्जाम्पल पे मुझे नहीं लगता आपने एग्जाम्पल किसी बुक में भी पढ़ा होगा व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम का, इस पे क्लैरिटी नहीं है अभी। देखो टैक्सेस में ना आपने देखा होगा भाई, सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट बदल देती है, क्लैरिफिकेशन आती रहती है, इस जगह पे कोई क्लैरिटी अभी है नहीं, तो हमें नहीं लगता आपका ये वाला एग्जाम्पल बहुत ही अच्छा है। ये मेरा पर्सनल थिंकिंग है, मुझे नहीं लगता आपका ये वाला एग्जाम्पल बहुत अच्छा है। सर साथ ही साथ अब आप बता दो, अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विस पे किसी को कमेंट लिखना हो तो क्या करेगा? तो देख भाई, इंपोर्ट ऑफ सर्विस था विद कंसिडरेशन, तो बॉस इंपोर्ट ऑफ सर्विस अगर कंसिडरेशन आ गया, चाहे इंपोर्ट हमने पर्सनल पर्पस के लिए किया हो, चाहे बिजनेस पर्पस के लिए किया हो, चाहे जो भी रीजन हो, अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विस में कंसिडरेशन आ गया है तो सर इट्स ऑलवेज सप्लाई। लेकिन सर अगर इंपोर्ट जो है ना ये विदाउट कंसिडरेशन है, क्या है सर? विदाउट कंसिडरेशन, इंपोर्ट ऑफ सर्विस अगर विदाउट कंसिडरेशन किया है और आपने अपने डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन से किया है,
या अपनी ओल्ड एस्टेब्लिशमेंट से किया है, जो मैंने बताया था ना ऑस्ट्रेलिया, एसबीआई ऑस्ट्रेलिया और इंडियन ऑस्ट्रेलिया ओन एस्टेब्लिशमेंट है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया वाली जो एसबीआई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, वो वहां पे जीएसटी में रजिस्टर्ड हो ही नहीं सकता क्योंकि वहां पे इंडियन जीएसटी लॉ ही नहीं है। तो सर ये ओन एस्टेब्लिशमेंट से लिए हो या किसी रिलेटिव से लिए हैं, विदाउट ए कंसिडरेशन भी लिए हैं, और इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस लिए हैं, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस लिए हैं सर, तो सर इसको सप्लाई कह देते हैं। लेकिन सर अगर आपने यही इंपोर्ट ऑफ सर्विस फ्री में ली है, यहां पे ध्यान रखना, और अपने रिलेटिव से ली हो या किसी से भी ली हो लेकिन पर्सनल पर्पस के लिए फ्री ली हो, पर्सनल पर्पस के लिए भले अपने रिलेटिव से ही फ्री में ही क्यों ना ले लिया हो, वहां पे सर सप्लाई की मीनिंग में ये नहीं आता है। ठीक है, सिर्फ इतनी सी बात लिखनी थी जिसमें अभय का काफी हद तक चीजें सही है बट एग्जैक्ट नहीं है। ठीक है, चलो आज के लिए बस इतना ही बहुत है। आपको मैं पूरी कोशिश करूंगा कि बेटा जीएसटी के सारे वीडियोस अगस्त तक पूरे पूरे दे दें, बिकॉज नवंबर 22 के लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं, एकदम फ्रेश रिकॉर्डिंग चल रही है, थोड़ा टाइम लग सकता है। तो टेक केयर, बाय बाय, एंड मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।